मेरा नाम आदित्य पंडित, मैं हम लोग एज ए भगत टेक्नो, ये हमारा फॉर्म का नाम है जो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट के पोर्टल्स के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट के सभी पोर्टल जेम, ई प्रोक्यूरमेंट, IREPS या दूसरे जो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल है, इंक्लूडिंग ई ग्राम स्वराज, PFMS, जो भी गवर्नमेंट्स के पोर्टल है सभी के हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह के इसके भी वेंडरशिप एंड ट्रेनिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जो भी इंक्लूडिंग जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स है, हमारा मेन फोकस ओनली गवर्नमेंट के पोर्टल्स है। जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे कंपनी का मेन मोटो है। 2013 में हम लोगों ने कंपनी चालू किया था और तब से लेके हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों में अवेलेबल है। अभी तक हम लोगों ने, यदि ई टेंडर के बारे में बात करेंगे, तो ई टेंडर्स में हम लोगों ने नहीं तो भी 50,000 प्लस लोगों को ट्रेनिंग दे दिया ऑल ओवर इंडिया। जेम पे 10,000 प्लस क्रॉस हो चुके हैं। ये हमारा 205th बैच है और हर बैच में अप्रोक्सीमेटली एवरेज यदि पकड़ेंगे तो 20 से ऊपर स्टूडेंट रहते ही है। और साथ में हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड नहीं रहता, ऑफलाइन में भी है। साथ में हम बायर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बायर के एग्जाम्पल यदि हम लोग लेंगे तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कोलफील्ड इंडिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे भी हमने काफी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं। CRPF, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जिसको हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड, इंक्लूडिंग पुणे के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेस, ये सभी को हम लोगों ने एज ए बायर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। और सेलर में तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी होता है, पर्सनल ट्रेनिंग भी कंपनी टू कंपनी जाके भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कंपनी का मेन मोटो है। चालू करने का वजह सबसे इंपॉर्टेंट था कि काफी लोगों को इसमें काफी दिक्कत आ रही थी। अभी तो ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो चुके हैं एंड नॉलेज गेन कर सकते हो, पर यदि हम लोग बैक आते हैं 2013-12 की दौर, तभी यूट्यूब भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था कि आप टेंडर खुद भर पाओ, तो काफी ये तकलीफ होता था एज ए कॉन्ट्रेक्टर को टेंडर भरने में, और उनको काफी लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ता था। इंक्लूडिंग सेम प्रॉब्लम आज भी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यदि अभी लोग कोई जेम पे काम करते हैं तो उनको पता है इसके बारे में कि जेम पे टेंडर भरने के लिए आपको काफी बार फॉलो ऑफ लेना पड़ता है। फॉलो ऑफ लेने में ही आपकी टाइम इतनी चली जाती है, साथ में पैसा तो जाता ही है, साथ में फॉलो ऑफ लेने से आपके टाइम काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो टाइम की सबसे ज्यादा कीमत होती है हमारे पास, तो टाइम के वजह से आप बहुत सारे टेंडर हो सकता है आप मिस भी कर चुके हो, L1 परचेज मिस कर चुके हो, डायरेक्ट परचेज, सभी चीजें आपको ऐसे तकलीफ होती है। इसलिए हमारा मेन मोटो है कि आप ट्रेनिंग करो और खुद की चीजें खुद करो, ताकि आपको कहीं इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े आगे। हम यहाँ पे आपको इतना परफेक्ट जरूर कर देंगे कि आप खुद का चीज, खुद का कोई भी काम जेम का खुद कर सकते हैं, या फिर आप बाहर कोई थर्ड पार्टी को देते भी है तो उनके प्रॉपर चीजों पर ट्रैक कर पाओगे, वो आपको कोई गलत तरीके से गुमराह या घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूंगा एकदम बेस लेवल से प्रोवाइड करूंगा। बेस लेवल मतलब इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला जेम क्या है, ऐसा हम आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपको जेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता है, तो भी हम एज ए सबको ऐसा ही ट्रीट करेंगे कि आपको जेम के बारे में ABCD नहीं पता है, जेम आपने सुना ही नहीं है और आप जेम फर्स्ट टाइम सुन के हमारे पास ट्रेनिंग को आ रहे हैं। तो हम एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे, जैसे जैसे समझना चालू हो जाएगा ऐसे हम क्लास को थोड़ा स्पीड भी लेंगे, एकदम इतना स्लो भी नहीं जा पाएंगे, तो धीरे धीरे अपना मूवमेंट बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम क्लास को लेके जाएंगे। यहाँ पे क्लास पे हमारा एकदम रजिस्ट्रेशन से लेके आपको ऑर्डर मिलने तक, वर्क ऑर्डर इनवॉइस जनरेट करने तक का पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग सेलर छोड़ के बायर का पोर्टल भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बायर में तीन पार्ट है, बायर, कंसाइनी एंड पेमेंट अथॉरिटी। तो हम यहाँ पे पेमेंट अथॉरिटी का पार्ट कवर नहीं करते, इंक्लूडिंग जो हम सिलेबस प्रोवाइड करते हैं वहां पे कंसाइनी भी नहीं लिखते हैं, जो कंसाइनी का पार्ट सिखाएंगे। बट कंसाइनी का पार्ट अभी हम लोगों ने चालू कर दिया है, काफी लोगों का इंक्वायरी आ रहा था, तो इसलिए कंसाइनी का पार्ट हम यहाँ पे आपको बता देंगे। पेमेंट अथॉरिटी का पार्ट सिर्फ आपका यहाँ पे नहीं रहेगा जेम पे, बाकी जेम में यहाँ पे पूरा पार्ट कवर होगा। ये 5 डेज का ट्रेनिंग रहेगा, जनरली हम यहाँ पे ऐसा बताते हैं 5 डेज का।
पर ये क्लासेस घट तो नहीं सकते, बढ़ सकते हैं 6 डेज के लिए, मे भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ सकता है। यदि हमारी तरफ से बात करेंगे तो हम आपको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड हम करेंगे। और हम आपको भगत टेक्नो का एक एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड करके आपको वहां पे हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। वहां पे परचेज करने का ऑप्शन रहेगा, कोई भी परचेज मत करो, हम आपको ये लेक्चर के साथ फ्री में वीडियो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी में सभी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बीड में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, हैंडबुक सेलर के एंड बायर के, पीडीएफ पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप नोट्स के, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आपको ऐड कर देंगे, इंक्लूडिंग इन केस ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। यदि आपको कभी लगा कि मुझे आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वहां पे, या फिर कुछ क्वेरी आ रही है तो वहां पे आप वो चीजें फोटो निकाल के डाल सकते हैं, तो हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग हमारे पुराने स्टूडेंट भी काफी है जो भी आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाता है। साथ में हमारा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, दत्ता सर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, तो आगे सपोर्ट के लिए हम लोग भी हमें हेल्प में रहते हैं। पर हमारे साथ प्रॉब्लम या दत्ता सर के साथ प्रॉब्लम एक ही है कि आपको एकदम क्विक सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्विक सपोर्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मिल जाएगा, बट हमारे लिए थोड़ा आपको वेट जरूर करना पड़ेगा, पर सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा पूरा कंटेंट है, कुछ डाउट्स है किसी को तो पूछ सकते हैं। विक्रम सर अनिल, एक मिनट सर, अनिल साटे बोल के जो कनेक्ट हो गए सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। अनिल साटे बोल के सर कनेक्ट हो गए, अनिल जाट, अक्षय बोल के नीचे और एक दो डिवाइस से कनेक्ट हो गए शायद, अक्षय नागरिया, आकाश नागरिया, दो डिवाइस से शायद सर आप कनेक्ट हो गए है। और ये अनिल साटे सर, आप भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर हेलो, हेलो सर, नहीं विक्रम सर एक मिनट वेट करिए। यस अनिल साटे सर, फिराज बोल के भी एक नीचे डिवाइस कनेक्ट है, फिराज बोल के जो डिवाइस कनेक्ट है वो एक बार सर अपना अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। विक्रम सर बोलिए। सर मेरा ये पॉइंट था कि आप गवर्नमेंट के और कौन कौन से पोर्टल पे डील करते हो? सभी गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं, सभी सर थोड़ा सा बता सकते हो कौन कौन से है? सर मैं उसके लिस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दत्ता सर से, है ना। okay, अभी फिलहाल ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। okay, जो भी बाकी के जो कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप दत्ता सर से मैं बोल दूंगा, वो भेज देंगे आपको। ओके सर। बिपिन सर प्लीज। यस सर, हम जानकारी ये चाहते थे कि जैसे आप बायर के बारे में बता रहे हैं, सॉरी सेलर के बारे में बता रहे हैं, बायर के बारे में भी जानकारी हो सकती है ना? हाँ, बायर के बारे में बताऊंगा ना सर। बायर का जो प्रोसेस होता है पूरा, पेमेंट से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ, बायर का भी बताऊंगा ना, बायर का भी बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। यूजर बोल के अपने एडवाइस कनेक्ट होगा। और बाकी और किसी को डाउट से कुछ? सर यूजर बोल के कोई कनेक्ट हो गया, प्लीज सर रिक्वेस्ट है कोई लिंक शेयर मत करो, क्योंकि आप लिंक शेयर करेंगे तो हम उनको रिमूव करेंगे, उनको हमको टाइम जाएगा, तो प्लीज। और नाम से कनेक्ट होना है, ये कंसर्न हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट दत्ता सर, मैंने उनका बताया, अक्षय सर का डिटेल्स भेजा है, अक्षय सर को फोन करो। क्या नाम है अक्षय सर? प्राइम इंटरप्राइजेस गजानन अंबेकर, गजानन अंबेकर, उनको कॉल करो और माइक कनेक्ट कराओ उनका। नहीं, गजानन अंबेकर के नाम से तो कोई एडमिशन नहीं है। नहीं है क्या? हाँ ठीक है, मैं कांटेक्ट नंबर लेता हूँ फिर उनका, तो आपको शेयर करता हूँ। गजानन अंबेकर, हेलो बोलिए सर। अक्षय सर, हाँ माइक कनेक्ट हो गया, बोलिए सर। या दिस इज गजानन अंबेकर, थैंक यू। सर आपका एडमिशन किस नाम से है?
आपका आवाज इको हो रहा है आदित्य जी। हाँ आवाज का आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा। मैं चेक करता हूँ। नहीं आपका एडमिशन किस नाम से है सर? अमोल के नाम से, अमोल सूर्यवंशी। अमोल सूर्यवंशी सर, दो डिवाइस से कनेक्ट है, नीचे भी अमोल का डिवाइस कनेक्ट है सर, ऐसा नहीं चलेगा ना सर? एक ही कनेक्ट है सर। फिर ऊपर नीचे अमोल कौन है? अमोल सूर्यवंशी कौन सा डिवाइस है अमोल सर आपका? लैपटॉप एक ही है। अरे सर लैपटॉप एक हो या दो, दो अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट हो चुके हैं आप। अमोल सूर्यवंशी सर दोनों में से एक डिवाइस को हटा दीजिए वहां से। हाँ इसलिए आपको आवाज इको हो रहा है, आप दो डिवाइस से कनेक्ट होना इसलिए आवाज भी इको हो रहा है। हाँ अमोल सर आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा डिवाइस आपको कनेक्ट होना है और फिर उसके हिसाब से डिवाइस से निकाल दीजिए। नाम भी डीड सर, ये पूरा नाम डालिए अमोल सूर्यवंशी। हाँ ठीक है, चलिए बाकी क्लियर है फिर चालू कर सकते हैं। हाँ क्लियर है सर। बात टोटल कितने हैं? मेरे हिसाब से 21 है, 23, मदन 24, 25 है। ठीक है। चलिए तो सर हम लोग सबसे पहला यहाँ पे चालू करते हैं जेम क्या है, है ना? किसी को कुछ क्वेरीज है, कुछ कोई पूछना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग सिलेबस चालू करेंगे। ये है सर अपना जेम का पोर्टल, है ना? जेम gem.gov.in ये इनका वेबसाइट है। याद रखेंगे वेबसाइट, कोई दूसरा वेबसाइट पे मत जाइए, वहां पे अलग अलग तरीके के चार्जेस आपके सामने हो सकते हैं, यहाँ पे इसको कोई चार्जेस नहीं है। ये जेम पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कोई चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस है मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, यहाँ पर भी चार्जेस है बट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो gem.gov.in ये इनका वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट, यदि इसके फुल फॉर्म बोलेंगे तो गवर्नमेंट ई मार्केट, मतलब एक ये ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा है बट ये ओनली फॉर गवर्नमेंट है, क्योंकि सामने आपको नाम से ही, पूरे नाम से ही पता चलता है ये गवर्नमेंट ई मार्केट है ना, तो आपको यहां से ही पता चल जाता है। That means यहाँ पे जो बायर, यहाँ पे दो पार्ट होगा, कहीं पर भी आप जब कहीं पर भी काम करते हैं तो दो पार्ट होता है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो जेम पे भी सेम भाई, खरीदने वाला और बेचने वाला। बेचने वाला डेट मीन्स सेलर, कौन बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं, तो हम क्या होंगे? सेलर। तो यहाँ खरीदेगा कौन? क्या आप खरीद सकते हो कोई चीज? मैं यहाँ पे कोई चीज बेच रहा हूं और मुझे कोई चीज खरीदना है, एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट मुझे यहाँ पे खरीदना है, जैसे कि हम लोग अमेजन वगैरह से खरीद लेते हैं ना। तो यहां से मुझे यदि एलईडी फ्लैश लाइट खरीदना है, टॉर्च, तो क्या मैं खरीद सकता हूं कोई भी प्रोडक्ट? नहीं, हम यहां से कोई भी प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये गवर्नमेंट ई मार्केट है, ये गवर्नमेंट के लिए बना है, तो खरीदने का जो काम है ये सिर्फ गवर्नमेंट का होगा। तो दैट मीन्स हमारा बोलने का मतलब है यहाँ पे बायर कौन होगा? ओनली गवर्नमेंट। हम सिर्फ सेलर हो सकते हैं, गवर्नमेंट दोनों हो सकता है, बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है, बट बायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट बॉडी या पीएसयू, पब्लिक लिस्टेड जो कंपनीज होती है पीएसयू कंपनी बोलते हैं, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट, एचपी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, है ना, ये सब जो कंपनी है वो लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट में एज ए बायर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे दूसरे किसी को एज ए बायर का परमिशन नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज ए कोई भी प्रोडक्ट को सेल जरूर कर सकते, तो इसीलिए इसके नाम पड़ा है गवर्नमेंट ई मार्केट। हम आगे चलते हैं, पहले तेजस सर का कुछ क्वेरी है। तेजस सर बोलिए। तेजस सर, सर एक्चुअली आवाज ब्रेक हो रहा था करके मैंने हैंड रेज किया था। ओके सर, देखो मेरे पास यदि आवाज रेज होगा, देखो मैं चीज सबको क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास यदि वॉइस का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सबको प्रॉब्लम आएगा। अच्छा। तो कभी भी पहले आप यहाँ पे आपके यहाँ चेक कीजिए, शायद नेटवर्क का आपके यहाँ थोड़ा इशू होगा, फिर बाद में आपका क्लियर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। पहले हम लोगों ने सिर्फ जेम का मतलब समझा, जो गवर्नमेंट ई मार्केट रखने का मतलब क्या। ई मार्केट से क्लियर पता चलता है एक मार्केट है पर ऑनलाइन मार्केट। तो ऑनलाइन यहाँ पे अपने को साफ पता चल रहा है ये ऑनलाइन मार्केट है, लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट एंड अदर्स जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। बट अमेजन में प्रॉब्लम क्या है, यदि हम लोग अमेजन या दूसरा कोई भी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट है, सर्विसेस नहीं है, ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेस दोनों, मतलब आप एक ही कंपनी रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट भी दे सकते हो गवर्नमेंट को और सर्विसेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप कुछ भी चीज बेचना चाहते हो, कोई भी चीज यहाँ पे बेचना चाहते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट को आप बेच सकते हो। एज एग्जाम्पल आपके पास एक जनरल स्टोर है तो भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है। आप जनरल स्टोर में जो नॉर्मल कस्टमर को बेचते हो वही सब चीजें गवर्नमेंट को बेच सकते हो। गवर्नमेंट को हर चीज लगता है, राइस लगता है, गेहूं लगता है, आटा लगता है, सब्जी भाजी जो भी है, फ्रूट्स लगते हैं, जूसेस लगते हैं, हर एक फूड आइटम लगता है। आप वो सभी चीजें बेच सकते हो गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हर एक लोगों के लिए ये जेम का मार्केट खुला है, कोई भी आए और यहाँ पे जेम्स पे अपना रजिस्ट्रेशन करे और गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को आप अपने रेट में बेच सकते हो। बट कंडीशन एक ही है गवर्नमेंट के पास कि आपका रेट सबसे बेस्ट होना चाहिए तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा। बेस्ट मतलब L1, हम लोग यदि प्रॉपर टेक्निकल वर्ड में बात करेंगे तो L1 बोलते हैं। L1 मतलब लोएस्ट वन। यदि 10 लोग रेट कोट कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम जिसको कोट होगा उसको वो काम मिलेगा, है ना। ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेट सबसे बेस्ट होना चाहिए तो आप यहाँ पे बेच सकते हो, कोई भी चीज यहाँ बेच सकते हो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है वो आगे आगे हम लोग समझेंगे, थोड़े रेस्ट्रिक्शन जरूर है पर आप बेच सकते हो, कोई भी चीज यहाँ पे बेच सकते हो। ये गवर्नमेंट के लिए आपके लिए गोल्डन बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप पहले गवर्नमेंट के लिए बहुत तकलीफ होती थी, आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में बहुत ज्यादा विजिट करना पड़ता था, ये ऑनलाइन नहीं है ऑर्डर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं था, पर यहाँ पे आप ऑनलाइन टाइम है तो आप अपना कैटलॉग बना सकते हो और गवर्नमेंट यदि लगा गवर्नमेंट को जो ये सबसे अच्छा रेट है तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। अभी चलते हैं गवर्नमेंट में जेम में काम होता कैसे है। यहां तक क्लियर है जेम मतलब, किसी को कोई डाउट है तो बताओ जेम मतलब सिर्फ। चलिए तो जेम का भी वर्किंग मेथड समझते हैं, जेम पे वर्किंग कैसा होता है। देखिए मुझे आप यहाँ पे मैक्सिमम लोग एज ए बिजनेस करते ही होंगे, अभी जेम सीख रहे हैं तो शायद, नहीं करते हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए जरूर आए हैं, जो मुझे आगे बिजनेस करना है ना। तो यदि हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ओर से समझते हैं, हम कोई बिजनेसमैन है और हम एज ए बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे छोटे स्केल पे सही कमी टर्नओवर हो और या फिर हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना के सोच रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी जहां पे हम बिजनेस करना चालू करते हैं तो वहां पे अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपको कभी भी आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कब कर सकते हो। चलो प्राइवेट बिजनेस में बात करते हैं, आप अभी लोग बिजनेस करते हो, आपके कॉम्पिटिटर है अमोल सर है, अंशुल सर है, अकर सर है, अस्मिता मैडम है, सभी लोग हमारे कॉम्पिटिटर। मैं भी टॉर्च लाइट बेचता हूं और सभी लोग आप लोग भी टॉर्च लाइट बेचते हो। हमारा कोई क्लाइंट के साथ डील हो रहा है, प्राइवेट क्लाइंट कोई भी एक्स वाई जेड क्लाइंट है,
उनके साथ हमारा डील हो रहा है। ऑर्डर किसको मिलने के चांस ज्यादा होंगे? जो बायर के रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझेगा। यदि मैंने समझ लिया बायर को क्या चाहिए, बायर जो भी चीज रिक्वायरमेंट डाल रहा है, मतलब बायर को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, बायर क्या सोच रहा है, ये यदि मैंने समझ लिया तो मैं सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर हूंगा, मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही है जिम। देखो जिम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सिर्फ ऑफलाइन की जगह यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह ये ऑनलाइन समझो। अभी आपको ये पोर्टल समझना है, बिजनेस तो आपको समझना अच्छे से आता है, मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑनलाइन तरीका सिखाऊंगा, उसको आप जैसे बिजनेस चलाते हो ऐसे यहाँ पे ऑनलाइन उस चीज को अप्लाई करना है। अभी आपको यदि कोई भी चीज जेम पे लोड करना है, अपलोड करना है, जिसको हम लोग यहाँ पे कैटलॉग के नाम से जानते हैं, कैटलॉग बनाना है, बनाना कैसे, तो आपको बायर का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, बायर की डिमांड क्या है, इसके लिए बायर समझना पड़ेगा, बायर का पोर्टल कैसा होता है, बायर का किस तरीके से, जब बायर कोई चीज खोलते हैं तो बायर को वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है, बायर को क्या क्या इंफॉर्मेशन बायर के पास होता है। यदि हमने जेम पे बायर की चीजें को समझ लिया तो हो सकता है कि मेरा सेलर का पार्ट बहुत इजी हो जाए, हम उस काम को अच्छे से कर पाए। इसके वजह से हम यहाँ पे सेलर के साथ साथ आपको बायर का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात और एक पीछे है लॉजिक बायर का, बहुत सारे लोग क्वेरी पूछते हैं मुझे जो आप बायर क्यों सिखाते हैं, हम एज ए सेलर है तो मैं बायर क्यों सीखूं, तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्लियर कर देता हूं, जनरली ये जो चल रहा है, मैं मार्केट बता रहा हूं, मैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो बताऊंगा, एक्चुअल क्या होता है और जेम में क्या होता है। मतलब चलो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेशर है, बिल्कुल जेम पे आ जस्ट आए, तो जेम पे यदि आपको काम करना है तो यहाँ पे अभी जेम पे काम चल कैसा रहा है, क्या आप ये प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे। चलो ये प्रोडक्ट कितने का है, 250 का है, यहाँ पे मैं एक फिल्टर भी लगा लेता हूँ, लो टू हाई। टॉर्च लाइट, मैं टॉर्च लाइट बेचना चाहता हूँ, टॉर्च लाइट में सबसे कम रेट है 150 रुपया, ये सबसे कम रेट है। मैं यही टॉर्च लाइट, चलो ये नहीं लेता हूं, मैं हाई वाला लेता हूं, हाई टू लो, मैं ये वाला टॉर्च लाइट 9,440 रुपए का है, ये टॉर्च लाइट मैं 100 रुपया में बेच देता हूं जेम पे, 100 रुपीज में, भले मुझे लॉस होने दो, मैं लॉस उठाने को तैयार हूं, और लॉस उठा के मैं इस प्रोडक्ट को जेम पे 100 रुपया में बेचना चाहता हूं, बेचने के लिए डाल दिया। दैट केस में ऑर्डर मुझे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे कम रेट में बेच रहा हूं और मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। कोई मुझे बताओ क्या मुझे ऑर्डर मिलेंगे जो लोग जेम पे काम करते हैं, मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस कितने? 50-50 है सर। 50 है? हाँ जी। अरे वाह, अच्छी बात है। चलो और किसको और क्या है? बता नहीं सकते सर, फिर भी अनुमान काम किया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मीट आउट होगी तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। टेक्निकल कितने परसेंट ऑर्डर मिल, चलो किसी की रिक्वायरमेंट मैच हो गई तो ऑर्डर मिलने के चांसेस कितने परसेंट? लगभग 10% है। 10% ओके, 10% एक 10 है, एक 30 है, और यदि मेरे एक्सपीरियंस में बात करूं, मैं यहाँ पे मेरे बहुत बायर पहचान के, तो मेरे यदि मैं यदि समझता हूं तो मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस सच में 10%, शायद 10% भी ज्यादा बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बोल दिया। हेलो, रीजन क्या है? 100% अथर्व सर, चलो अथर्व सर बोल रहे हैं 100%, अथर्व सर को समझाना पड़ेगा, फिर बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, संदीप दिस साइड। हाँ संदीप सर बोलिए। सर अगर हम टेक्निकली स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा प्राइस लोअर वन है,
के बाद तो 100% चांसेस होने चाहिए कि हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली आपकी बात सही है, 100% आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होना चाहिए था। पर अभी देखो ये एज ए रूल, संदीप सर एज ए रूल आप सही हो। संदीप सर आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है, शायद आप थोड़ा माइक को चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप में वॉइस नहीं है, उसका वॉइस सिस्टम खराब है तो मैं मोबाइल पे हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आवाज आ रही है बराबर, पर बीच में बहुत खराब है। तो संदीप सर की बात बिल्कुल सहमत करता हूँ, और शायद संदीप सर, अथर्व सर भी संदीप सर के साथ हैं, और ये डाउट सबके मन में है। जो मैं जब इसको सबसे बेस्ट रेट में बेच रहा हूं तो मुझे ऑर्डर क्यों नहीं मिलेंगे, कॉमन सी बात है। लॉजिकली ये बात सही है, लॉजिकली ये बात सही है, ऑर्डर मिलना सबसे ज्यादा अच्छी। बट जेम का मार्केट इस तरीके से अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये ऑनलाइन हो चुका है। बट कभी भी मैक्सिमम बायर की जो नीड है वो मैक्सिमम पहचान के सेलर को ही देना चाहते हैं ऑर्डर, अननोन सेलर को ऑर्डर नहीं देना चाहते। रीजन उसका मैं ये भी बता देता हूं क्यों, बहुत सारे रीजंस है। देखो अभी यहां पे सिर्फ आप एक ही बात बोलेंगे सर ये करप्शन है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, करप्शन ही एक मोटो नहीं है, है कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार है बट पूरा नहीं, बहुत सारे रीजंस है। रीजन एक है पहला कि ये टॉर्च लाइट, आपने ये पार्टी, ये महाराष्ट्र में पुणे का बायर है, उसको ये चाहिए, बराबर है, अभी उसने दे दिया। चलिए मैं लो टू हाई का फिल्टर लगा देता हूं, अभी दिखाता हूं, देखो सही चीज है अभी यहां पे देखो। हाँ ये 315 रुपया में कोई ये टॉर्च बेच रहा है, देखो ये सेलर की बात करता हूं मैं, यहाँ पे सेलर की। अभी ये बताओ मैंने इस बायर को, ये जो सेलर है इनको 315 रुपया में ऑर्डर दे दिया, ये मिनिमम एक क्वांटिटी डिलीवर करेगा, एक क्वांटिटी ही मैंने इसको ऑर्डर दे दिया, तो ये क्या मुझे ऑर्डर दे पाएगा, डिलीवरी कर पाएगा? आप लोग बताओ, यदि आपके प्रोफाइल में ऐसा 315 का टॉर्च लाइट रहता और आपको एक क्वांटिटी का ऑर्डर मिला होता 315 रुपीज में, तो आप कितने लोग थे जो ये ऑर्डर देते थे? नहीं सर उसमें सर एक एक्सक्यूज आता है। हाँ हेलो, हाँ हाँ, उसमें सर एक्सक्यूज ये था, अगर सपोज कोई भी बिडिंग होती है जेम पोर्टल पर, मेरे को एक्चुअली बिडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम लोग अभी तक सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हाँ। इतना है कि अगर हम कहीं पर भी कोई टेंडर या बिडिंग फिल कर रहे हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो जो सर हम लोग उसके बारे में बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहे, हम आपको समझाएंगे हर एक चीज। आपकी लॉजिक बराबर है, आप थोड़ा सा रुकिए, देखो मैं आपको आपकी बात को क्लियर करूंगा आगे आगे, मैं सिर्फ वो बात कर ही नहीं रहा हूँ जो बिडिंग करना है, L1 होंगे आपको ऑर्डर मिलेगा, वो एकदम अलग चीज हो गया, वो हम लोग प्रॉपर प्रोसेस में घुस गए, सिर्फ मैं यहाँ पे नहीं ऑर्डर मिलने का रीजन बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। हाँ मयंक सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें ऐसा हो सकता है कि जो दूर के बायर्स है ना उनको ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि सारा जीएसटी और ट्रांसपोर्ट इंक्लूसिव होता है इसकी प्राइसिंग। हाँ, अलग से नहीं होता कुछ भी, ये सब तो, बराबर है सब कुछ सर। 315 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट है, और हाँ, फिर इसको बेचना भी है, और यदि कुछ प्रॉब्लम रहा तो इसको रिटर्न भी लेना है, रिटर्न भी लेना है एक्चुअली। तो क्या इसको आप, मैं यही क्वेरी पूछ रहा था कि आप लोगों में किसी को भी ये टॉर्च लाइट आप बेच रहे हो सेम 315 में, तो क्या आपको ये मतलब दे सकते हो क्या एक क्वांटिटी का ऑर्डर, क्योंकि ये मिनिमम एक क्वांटिटी बोल रहा है, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो मैंने यदि गलती से ये बेस्ट रेट है और मैंने इसको ऑर्डर दे भी दिया तो बहुत ही कम चांस है ये सेलर बायर को ऑर्डर दे, बहुत चांसेस बहुत कम है कि ये सेलर उसका ऑर्डर वो डिलीवरी करे बायर को, क्योंकि ये देखेगा आप कभी भी कोई नुकसान में काम नहीं करोगे, तो जब नुकसान में काम नहीं करोगे तो ऐसे ऑर्डर्स, इसका रेट तो बेस्ट है, मुझे ऑर्डर तो इसी को देना है, तो ऐसे कंडीशन में बायर का क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। बायर क्या करेगा, टाइम तो रिटर्न नहीं ला सकता, ये ऑर्डर उनका डिले होता जाएगा,
ये एक बार दिया, दूसरी बार भी ऐसा हुआ प्रॉब्लम तो क्या करेगा। चलो अभी 315 का जगह 329 वाला आ गया, ये इसने भी बोला ऑर्डर तो दे दिया, 15 दिन वेट किया, ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। यहां पे सेलर का भी प्रॉब्लम, सेलर को यहां पे पता नहीं है डालना कैसा है प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, कैसे मुझे यहां पे रखना है प्रोडक्ट। इसके वजह से भी जेम का जो पोर्टल है ये धीरे धीरे खराब हो रहा है। इससे बायर का सेलर के ऊपर से भरोसा कम हो रहा है, और जब भरोसा कम हो रहा है तो वो भी चाहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो टाइम पे डिलीवरी देगा। मैं बायर हूं और मैं चाहता हूं अक्षय सर हमारे पहचान के, तो मैं अक्षय सर अमोल सर को बोला, अमोल सर मेरे पहचान के, तो अमोल सर को बोला देखो मुझे टॉर्च लाइट चाहिए, क्या दे सकते हो। शायद अमोल सर को ये एकदम प्रॉब्लम है कि अमोल सर एक टॉर्च लाइट नहीं दे सकते, पर बायर के रिक्वेस्ट पे वो देने को तैयार हो जाएगा, तो इससे बायर का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है काफी टाइम पे, और लोकल होता है इसलिए उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होता। तो ये बजट से भी देता है, बाकी दूसरा तो मैं आपको रीजन एक बताया ही कि एक बड़ा दूसरा भी एक बड़ा रीजन है ना। तो ये सब थोड़े जो तकलीफ है इसके वजह से बायर कभी भी जेन्युइन सेलर ढूंढता रहता है, प्रॉपर सेलर जिससे पहचानो। इसलिए ऑर्डर मिलने के फिलहाल बहुत ही कम चांस है कि आप अपने ऑर्डर को कम से कम रेट में बेचोगे तो भी ऑर्डर कितने मिलेंगे कुछ बोल नहीं सकते। ये रीजन है क्योंकि मैं बायर की तरफ से भी काम करता हूं। ये हो गया प्रॉपर, पर एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता आज नहीं थोड़े दिन बाद, 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद, कि 1 साल हो, जब सेलर प्रॉपर अपना कैटलॉग डालना समझ में आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से सब लोग डालना चालू कर देंगे, थोड़ा सा जेम स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और तो फिर हो सकता है बायर ट्रस्ट करने लगे सेलर के ऊपर, जो मैं परचेस कर रहा हूं तो ये जेन्युइन रहेगा तो हम यहां से परचेस कर सकते। अभी एज ए एग्जाम्पल हम लोग अमेजन को लेते, अपने अमेजन पे आपको कुछ चाहिए, ये क्लीनिंग एसेसरीज चाहिए, चलो मुझे ये इंटीरियर केयर चाहिए, ये वाला मुझे प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है, ये वाला 512 में मुझे पसंद आ जाता है। चलो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको एड टू कार्ट किया, तो बताओ मुझे नहीं मिलने के चांसेस कितने हैं। यदि आप लोगों ने किसी ने भी इसको ऑर्डर किया अमेजन से, नहीं मिलने के चांसेस कितने हैं? 0% एकदम नहीं के बराबर, शायद 0.005 या 1% हम बोल देंगे तो बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि आप इस पे ट्रस्ट करते हो, आपको आज तक कभी धोखा नहीं मिला, पर यही ऑर्डर आप बार बार प्लेस कर रहे हो और आगे वाला सेलर आपको ऑर्डर दे ही नहीं रहा है, तो आप दूसरे बार अमेजन से परचेज करना चाहोगे दूसरा कोई प्रोडक्ट? आपका अमेजन से भरोसा निकल जाएगा। सेम कंडीशन आज जेम पे, इसके वजह से जेम भी चाहता है कि जो बायर है वो जो परचेज करना चाह रहा है वो भी चाहता है कि मुझे ऑर्डर टाइम पे मिले और जेन्युइन मिले, तो इसके जो लूप होल्स है उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये है नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। सर की एक क्वेरी अच्छी है अथर्व सर का, बट हाउ बायर कैन अंडरस्टैंड द सेलर इज फ्रॉम हिज नियर बाय प्लेस। बायर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा सेलर है कहां का। क्या अमेजन पे पता चलता है आपको ये कहां से ऑर्डर आएगा आपका? बताओ मुझे, ये ऑर्डर आप ऑर्डर दे रहे हो ये कहां से आएगा, कहीं पर पता है आपको फिलहाल? अभी जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं करते हो नहीं पता चलता, जो सबसे बेस्ट रेट है वो पता चलता है, कहां से आएगा ये नहीं पता चलता। मैं पूना से बिलोंग कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट जम्मू से भी आ सकता है और पूना में ही कोई ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, पर उसका रेट यदि ज्यादा है तो उसको ऑर्डर नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर को ऑर्डर चला जाएगा, वहां से ऑर्डर आएगा। यहां रेट मायने करता है, लोकेशन मायने नहीं करता। सेम जेम पे भी, जेम पे बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये प्रोडक्ट आ कहां से रहा है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो पता चलेगा कहां पे ऑर्डर गया, किसको गया, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब पता चलेगा बायर को, तब तक बायर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट समझते हैं जेम पे, और तो परचेस कैसा करेगा बायर।
किस किस तरीके से यहाँ पे परचेज कर सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले कोई सर बोल रहे थे बीड, एक बीड तो है टेंडर जिसको बोलते हैं, हम आगे आगे समझाएंगे। बीड से पहले हम लोग समझते हैं आगे का डायरेक्ट परचेस। यहाँ पे परचेस करने के अलग अलग रूल्स है बायर के लिए। सबसे पहला है डायरेक्ट परचेस, जैसे कि आप अमेजन से करते हो। आप यहाँ पे एज ए बायर अमेजन से कैसा परचेस करते हो, मुझे ये चाहिए, मैं बाय नाउ कर दिया, पेमेंट कर दिया, मुझे ऑर्डर आ जाएगा। ये हमने देखा नहीं, मुझे ये पसंद आया, मैंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया, ये हो गया डायरेक्ट परचेस। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। सेम सिस्टम जेम पे भी डायरेक्ट परचेस, ये सिस्टम भी जेम पे अवेलेबल है डायरेक्ट परचेस कमांड। बट जे यहां पे अमेजन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अमाउंट के ऊपर। आप 10 रुपया का भी सामान खरीद सकते हो और 10 लाख रुपया का भी सामान यहां से परचेस कर सकते हो। अमाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्ट परचेस पे, पर यहां पे रेस्ट्रिक्शन है। यहां पे डायरेक्ट परचेस की जो लिमिट रखी गई है वो बायर के लिए 25,000। 25,000 तक का कोई भी ऑर्डर वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है, उसके ऊपर नहीं। कोई भी बायर यहां से यदि डायरेक्ट ऑर्डर करता है, जैसे इसको ये टॉर्च लाइट चाहिए, तो ये कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट उसको बाय कर सकता है। बट ये 25,000 अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 155 आइटम है तो ये इसका 100 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी तक ऑर्डर कर सकता है। उसके ऊपर इसको ये 500 क्वांटिटी चाहिए, तो 25,000 यदि अमाउंट क्रॉस हो गया तो फिर वो डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकता। मतलब सिंगल ऑर्डर 25,000 रुपया तक को बायर को परमिशन है परचेस करने का। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं गुलाम भाई पुरी, आई एम फ्रॉम श्रीनगर। सम ऑफ लेट बिकॉज मैंने गूगल ये बीएल से ज्वाइन किया, तो आपने फटाफट काट लिया पूछे बगैर। आपको पूछना था कौन है आप, मुझे इतना टाइम लगा मोबाइल पर वो जूम का अपलोड करने में, और अब ज्वाइन हुआ कोई आधा, मुझे लगता है कि आधा लेक्चर आपने कंप्लीट किया है, तो प्लीज रिमेम्बर मुझे थोड़ा बहुत बैच में थोड़ा सा ना। नहीं, जस्ट हमने चालू किया है अभी, जेम समझा ही रहे, ऐसा हमारा कोई टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ। ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे थे लिमिट के बारे में, तो 25,000 जो लिमिट है वो डायरेक्ट परचेज का। साथ में डायरेक्ट परचेज का और एक पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे L1 परचेज बोलते हैं। L1 परचेज मतलब कंपेयर। अभी यदि बायर को ये वाला टॉर्च लाइट खरीदना है, ये वाला, तो इसको सेम कैटेगरी में दो अलग अलग प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद जो सबसे कम रेट में देगा उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं L1 परचेज। पर कंपेयर के लिए कुछ रूल्स है, जो कंपेयर होगा वो अलग सेलर भी होना चाहिए और अलग ब्रांड भी होना चाहिए। सेम ब्रांड के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। जब कंपेयर करोगे यहां पे तो ब्रांड अलग होना चाहिए और सेलर भी अलग अलग होना चाहिए। इसकी लिमिट कितनी है, विथ कंपेरिजन डायरेक्ट परचेज 5 लाख। 5 लाख तक इनको लिमिट रखा गया है, जो वो कंपेयर करके वो ऑर्डर रिलीज कर सकता है। बट ये भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट होगा। 25,000 तक कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो उनको पसंद है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। 25,000 से अमाउंट बढ़ गया तो उनको कंपेयर करना पड़ेगा अलग अलग ब्रांड के साथ और अलग अलग सेलर के साथ, और फिर कंपेयर करने के बाद जो सबसे बेस्ट रेट होगा उसको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये हो गया दूसरा परचेज करने का तरीका। तीसरा परचेज करने का तरीका बीड है, टेंडर। हाँ मयंक सर बोलिए। सर ये थोड़ा सा डाउट हुआ है, मतलब एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल के इसमें समझाएंगे सर, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने कोई मैं सेल बायर हूँ, मैंने कोई एलईडी लाइट, जैसे आपने एग्जांपल दिया एलईडी लाइट परचेज करनी है, अप टू 5 लाख तक का मैं ब्रांड अदर, अगर मेरे को मान लो फिलिप्स की लाइट लेनी है तो नहीं, फिलिप्स के अलावा। देखो देखो, इस यहाँ पे एक क्वेरी गलत कर रहे हो। बायर कभी भी कोई ब्रांड नहीं बोल सकता। अच्छा, बायर के पास ब्रांड का ऑप्शन नहीं है।
बायर यदि फिलिप्स के बारे में बात कर रहा है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट दैट मीन्स वो फिलिप्स कंपनी को प्रमोट कर रहा है तो ये उनके पास नहीं है, वो कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता, वो सिर्फ बता सकता है मुझे ऐसा एलईडी लाइट चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन बोल सकता है बट वो ब्रांड चूज नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट में देगा उनको वो प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे ऑर्डर देना, ये चार प्रोडक्ट आया है मेरे सेम स्पेसिफिकेशन में, तो ऑर्डर किसको जाएगा, ये 250 वाले को, यस वन, इसको ऑर्डर भी, इसको भी ऑर्डर नहीं जाएगा, इसको भी ऑर्डर नहीं जाएगा और इसको भी ऑर्डर नहीं जाएगा। हाँ वो इनके साथ ये ब्रांड देखो, अभी ये सब ब्रांड अलग अलग है, हाँ अभी ये ब्रांड के साथ ये दोनों प्रोडक्ट कंपेयर नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ब्रांड का, ये एक दो तीन ये ब्रांड कंपेयर हो जाएंगे। इसमें भी अगर बायर चाहे तो सेकंड L2 को L3 को भी दे सकता, नहीं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ओके और कुछ डाउट्स है किसी को? ठीक है सर, चलिए और एक परचेज करने का तरीका है, उसको बोलते हैं बीड टेंडर, है ना बीड। सर 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 आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज करना, या फिर मैं जब क्वेरी पूछता हूं तब आपको पूछ लेना, यदि आप हैंड रेज करने में नहीं है तो मैं आपको क्वेरी कर, पर मैं लेक्चर चालू कर रहा हूं तब आपको नहीं बताना, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, या फिर मैसेज का ऑप्शन से चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, हैंड रेज करेंगे मैं आपका क्वेरी जरूर ले लूंगा। चलिए अभी आपने बोला है तो बताइए। सर मेरे को दो डाउट है, जैसे सब डायरेक्ट जो 25,000 वाला आप बोले हैं, ये सर जैसे बायर जो है सर, मैंने लोकल में डाला कि मेरा ये रेट है कि और मैं सिर्फ इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सप्लाई करूंगा, एक और दूसरे किसी ने सेलर ने डाला सर कि और उसका मेरे से कम रेट है बट वो उसने ऑल इंडिया कर दिया, हाँ, या किसी ने ऑल स्टेट कर दिया, बराबर बराबर, तो एट दैट कंडीशन सर वे बायर लोकल वालों को प्रेफरेंस देगा कि ऑल इंडिया वाले का रेट मेरे से थोड़ा, हाँ। आपकी क्वेरी हम लोग रख लेते हैं, बराबर है, हाँ, चलो आप समझ लो आप बायर हो, आपको अमेजन से परचेज करना है, आपका क्या प्रोडक्ट है बताओ कोई भी, मान लीजिए सर पेपर है, A4 पेपर है ना, चलो आप अमेजन से कभी परचेज किए हो कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं परचेज, कोई भी इसे? नहीं सर मैंने कभी परचेज नहीं किया, कभी परचेज नहीं किया, ओके चलो, एज ए एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो ऑनलाइन खरीदना है आपको कोई भी चीज, अभी ये वाला प्रोडक्ट 260 रुपए का है, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट आप, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और पुणे में ही ये वाला प्रोडक्ट कोई 300 रुपए में दे रहा है, सेम प्रोडक्ट सर पुणे का ही सेलर है और वो 300 में दे रहा है, बट कोई दिल्ली का सेलर है वो मुझे यहाँ पे 260 रुपए में दे रहा है सर, तो आप ऑर्डर किससे लेना ज्यादा पसंद करोगे, पुणे वाले से या दिल्ली वाले से? सर लेना पसंद तो करेंगे पुणे वाले से क्योंकि टाइम सेव होगा, क्यों दिल्ली वाले आपको अमेजन पे क्यों टाइम पे नहीं देगा ये डिलीवरी? सर आप कभी ऐसा कभी नहीं करोगे सर, आप रेट के ऊपर जाओगे, कोई भी रेट के ऊपर जाता है, जो मुझे सस्ता कहां मिल रहा है, ये ह्यूमन मेंटेलिटी जी जी, ये आप बोल रहे हो पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना नियर बाय, यदि रेट ज्यादा मिल रहा है तो आप कभी नहीं जाओगे, आप रेट के ऊपर जाओगे जो सबसे कम रेट में कौन दे रहा है, हाँ जी सर बराबर है, आपके ही बाजू में एक शॉप है चलो, और उसके बाजू में आपसे और 300-500 किलोमीटर बाद में दुकान है, तो क्या आप 1 किलोमीटर जाके 5 रुपया बचाने के लिए 1 किलोमीटर नहीं जाते हो, उनसे परचेज नहीं करते हो? जाते हैं सर, फिर मुझे जो क्यों सेम ब्रांड का जरूरत है तो उस सेम ब्रांड का जी वहां सस्ता मिलेगा, तो आप वहां सस्ता मिल रहा है तो आप वहां से सामान उठा के लेके आते हो ना जी जी, फिर क्यों आप नियर बाय नहीं लिए, आप रेट के पीछे गए सर, यस सर, सब यही चीज है, ऑनलाइन में भी सेम चीज है तो जेम पे भी सेम चीज है, ये तो आप नॉर्मल हो, आपके पास चॉइस है, गवर्नमेंट में ऐसा कोई चॉइस नहीं, गवर्नमेंट ने इसको रूल बना दिया है, ये रूल्स है जी सर, ठीक है ठीक है।
मयंक सर बोलिए। एक छोटा सा डाउट और था इसी के रिगार्डिंग L1 परचेज के रिगार्डिंग। जैसे कहीं जगह L1 परचेज का नाम पहले तो L1 परचेज क्यों है कि, और इसमें कुछ भी मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन या ऊपर से कस्टमर से बात करके कुछ होता है? मतलब जैसे हमने सुना है कई बार कि मतलब L1 सर आपकी जो क्वेरीज है ना बराबर है की बात सर, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ होता क्या है। अच्छा। हम लोग करना परचेज करना कैसे ये हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे। अच्छा वो हम लोग जब लेक्चर चालू करेंगे तो आपको सिखाऊंगा ना मैं। हाँ जी, कैसे थीक। बदलता है, कैसे ऑर्डर मिल सकता है आपका प्रोडक्ट। अच्छा। आपको ही ज्यादा रेट में भी ऑर्डर कैसे मिलेगा वो भी सिखाऊंगा। ठीक है सर। आपका प्रोडक्ट ये 150 में कोई टॉर्च बेच रहा है, आप 2000 में वही टॉर्च बेचना चाहते हो तो 2000 में अपना ऑर्डर कैसे लेके जाओगे वो भी सिखाऊंगा। ठीक है सर। पर वो हम जब सिखाएंगे तब बताऊंगा, है ना। ठीक है सर। ओके थैंक यू। अथर्व सर का एक क्वेरी है, बट हाउ कैन बायर अंडरस्टैंड सेलर इज नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। मिनिमम कितने कंपेयर करना होगा प्रोडक्ट? सर दो, एक आपका प्रोडक्ट मतलब जो भी है, तीन प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन होगा, एक आपका उसके साथ, दो अलग ब्रांड एंड अलग रिसेलर। आपका ही आपने ही यदि आपने ही प्रोफाइल से दो अलग अलग ब्रांड अपलोड कर दिया है तो नहीं चलेगा। सियोग सर बोलिए। बोलिए सर। 260 का और 300 का जो है सर, 300 लोकल का है। क्या बोले सर? 300 रुपए का लोकल की कॉपी है सर, वो 260 दिल्ली वाले की है। हाँ सर, अगर 300 वाला खरीद लिया तो बायर को कोई प्रॉब्लम आएगा क्या सर? वो खरीद ही नहीं सकता, वो बायर खरीद ही नहीं सकता। टाइमिंग की वजह से सर, टाइमिंग की वजह से नहीं, बायर को ऑप्शंस नहीं है, वो खरीद ही नहीं सकता। जो कम रेट का है वही खरीदना पड़ेगा। हाँ, जो सबसे कम रेट में दे रहा है वही से ही खरीद सकता। ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह ये तो होता ही है, कम रेट वाला खरीद। सर हेलो हेलो, कौन बोल रहे? सर सिंह सर, प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट किया हूँ, विदाउट हैंड रेज नहीं क्वेरी पूछेंगे। सियोग सर बोलिए। सर आपकी जो आवाज है ना वो समझने में मुझे काफी दिक्कत हो रही है। खरीद ही नहीं सकते क्या सर ज्यादा रेट वाला से लोकल में? ज्यादा रेट वाला से लोकल में खरीद नहीं सकते क्या सर? नहीं खरीद सकते, ये गवर्नमेंट में नॉर्म्स नहीं बैठता है। गवर्नमेंट ब्रांड नहीं चूज कर सकता, कोई भी ब्रांड नहीं बता सकता और ज्यादा रेट वाले को ऑर्डर नहीं दे सकता, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। शर्मा सर। हाँ जी, ये मैं पूछ रहा था, 25,000 के ऊपर L1 परचेज होता है आपने? हाँ, बताया 5 लाख। हाँ, बराबर डायरेक्ट परचेज में। हाँ, तो उसके ऊपर चाहे लोअर जैसे कम रेट में दे रहा है कोई, बट चाहे लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो तो भी उसको मिल जाएगा जो सबसे कम रेट में दे रहा है? हाँ, जो सबसे कम रेट में लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, नहीं लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो भी उनको ही मिलता है? हाँ, तो भी मिलेगा उसको ही। ओके, आपके पास स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है ना सर? आप स्पेसिफिकेशन चूज कर सकते हो, जैसे इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, लाइट ऑफ आवर, आपको 7 आवर्स का नहीं चाहिए, आप 10 आवर्स का चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, ये आपके कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। आपको वारंटी 24 महीने का चाहिए, मैच होने चाहिए उससे। हाँ, आप स्पेसिफिकेशन चूज कर सकते हो, बट आपको उसमें जो आएगा प्रोडक्ट आपको उसी ऑर्डर उसको ही ऑर्डर देना है, आप वहां पे ब्रांड चूज नहीं कर सकते। ओके सर, बराबर है जी, क्लियर है सबको? और कुछ है किसी को डाउट तो पूछो। चलिए आगे चलते हैं, हम समझते हैं और एक परचेज करने का तरीका, इसको बोलते हैं बिड, टेंडर, ऑनगोइंग बिड्स, है ना। बिड्स ऑनगोइंग मतलब जो टेंडर अभी फिलहाल लाइव है, जो अभी है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका डेट खत्म हो गया वो टेंडर यहां नहीं दिखता, जो टेंडर लाइव है वो टेंडर दिखता है। तो टेंडर, टेंडर मतलब अभी डायरेक्ट परचेज में क्या हो रहा था, बायर कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था, बायर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था जो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा बायर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था, वो नहीं बोल रहा था मुझे टॉर्च लाइट चाहिए, कहीं पेपर में नोटिफाई नहीं किया,
ये आपको मैसेज नहीं किया, आपको मेल नहीं किया, या कहीं पर पोर्टल में भी नहीं बताया, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट परचेज बोलते हैं। पर बीड में आपको बताया जाएगा कि टेंडर निकला है, आपके पास टाइम है। अब जैसे ये टेंडर है, बाथरूम और टॉयलेट मिरर, ये एक प्रोडक्ट है, 300 क्वांटिटी चाहिए, ये बताया है। किसको चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चाहिए, इंडियन आर्मी में। कब? ये 27 तारीख को इसने बताया, 27 तारीख को बताया कि मुझे ये चाहिए। कब तक? 3 तारीख तक आप इसका टेंडर का रेट बता सकते हैं इनको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, 3 तारीख तक, इतने तारीख से लेके इतने तारीख के बीच कभी भी अपना रेट इनको बता सकते हो। उस बिटवीन में फिर ये टेंडर खुलेगा, और खुलने के बाद जो सबसे कम रेट में डाला है, फिर से मैं रेट पे आ रहा हूं, ब्रांड पे नहीं आ रहा हूं, जो सबसे कम रेट में डाला है उसको ये टेंडर मिल जाएगा। पर बीड में सिर्फ रेट नहीं चेक किया जाता, और एक बात है, बीड में और एक चीज चेक किया, बीड में दो पार्ट से होता है। ये तो हमने फाइनेंस बताया, मतलब आप कितने रेट में कोट कर रहे हो। बीड में दो पार्ट होता है, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फाइनेंस, ना? फाइनेंस में हम लोग रेट कोट करते हैं, अपना रेट बताते, जो भी मेरा रेट है वो रेट बताते। टेक्निकल में डॉक्यूमेंट, इस टेंडर के लिए क्या क्या बायर को डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ही आपका फाइनेंस में रेट चेक होगा। भले आपने रेट 5 रुपया डाला है और मैंने 100 रुपया डाला है, बट मैं टेक्निकल में ही नहीं बैठता हूं तो मैं टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो मेरा फाइनेंस कभी नहीं खुलेगा, मेरा रेट किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो 100 रुपया वाले को क्या, 1000 रुपया वाले को भी मिल सकता है ऑर्डर। डॉक्यूमेंट्स में ये बायर के ऊपर है, क्या पूछ सकता है। जनरली कॉमन डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, जो एक डॉक्यूमेंट्स का एक जनरल लिस्ट बता देता हूँ क्या क्या रहता है। आपसे टर्नओवर मांग सकते हैं, टर्नओवर मतलब आईटीआर, टर्नओवर सर्टिफिकेट, आईटीआर साल का, एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, जो आपने इसी टाइप का प्रोडक्ट सप्लाई किया है उसको एक्सपीरियंस बोल दिया है ना, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद OEM का ऑथराइजेशन, जो जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनसे आपके पास ऑथराइजेशन हो क्या, ऑथराइज्ड डीलर हो क्या, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये मांग सकते हैं। OEM का भी एनुअल टर्नओवर मांग सकते हैं, एनुअल टर्नओवर मतलब जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनका भी ITR मांग सकते हैं, GST मांग सकता है, आपका GST मांग सकता है, एड्रेस, चलो GST हो गया, और बस एक ATC रहता, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ATC में ये छोड़ के यदि कुछ को कोई डॉक्यूमेंट्स मांगना है ATC, उसमें प्रोडक्ट क्या है उसको लेटर हेड में प्रिंट करके देना पड़ता है। तो जनरल ये सब डॉक्यूमेंट्स जनरल रहते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि मैंने सर ने इतना बताया तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स होगा, ये छोड़ के कोई डॉक्यूमेंट्स ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। कोई टेंडर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स अभी आप टेंडर भर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ लोग क्वेरी पूछेंगे मुझे, जो सर मेरा कंपनी तो बिल्कुल नया है, मेरे पास टर्नओवर नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, तो मैं क्या टेंडर भर सकता हूँ? आप भी भर सकते हो, आपको ऐसा टेंडर ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप क्वालिफाई होते हो। ऐसा टेंडर देखो जिस टेंडर में कोई डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं है। यदि बायर को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको देना ही पड़ेगा। यदि आप फिर भी भर देते हो तो आप टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओ और आपका फाइनेंस कभी नहीं खुलेगा। मयंक सर बोलिए। एक छोटी सी क्वेरी और है। हाँ बोलिए। केस मैंने कई बार हम बेड भरते हैं, अब पता नहीं है, मैं किसी और से करवाता था तो वो पता नहीं चल पाता सर, कस्टमर रिजेक्ट करता है बेड कई बार, मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कस्टमर से कि सर ये रिजेक्ट क्यों करिए। यस डेफिनेटली पूछ सकते हो, पूछने का आपका है, कई बार होता है ना, हाँ है, 7-10 बेटे 10-20 यस डेफिनेटली आपके पास है, पूछने का आपको पूछने का अधिकार है।
ठीक है सर। अभी मैं एक्चुअल बताता हूँ, ये तो हो गया प्रॉपर प्रोसेस। अभी मयंक सर छोड़ के, मयंक सर ने तो बताया सर के साथ प्रॉब्लम क्या है, बराबर है। अभी बहुत सारे लोग मुझे बता, हो सकता है आप लोग या फिर बिल्कुल नए हो, अभी उन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। मयंक सर ने 10 टेंडर भरे पर हो सकता है 8 में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सब डॉक्यूमेंट्स ओके है फिर भी टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई, क्यों क्यों किया मयंक सर को डिस्क्वालीफाई, क्यों कि सर कस्टमर नहीं चाहता। अब ये टेंडर, जैसे मैं खुद भी ऐसा करता हूं, एग्जांपल के तौर पे मुझे एक टेंडर, एक बायर ने एक टेंडर पब्लिश किया, बायर ने टेंडर पब्लिश किया। अब इसमें बायर का भी थोड़ा कसूर है, मैक्सिमम बायर को ना पता ही नहीं है हो क्या रहा है जेम पे, जेम के बारे में ही पता नहीं है। ये एक बायर के साथ बड़ा इशू है। आप यदि 100 बायर को पहचानते हो तो मैं बता सकता हूं 80% बायर को जेम के बारे में पता ही नहीं है। उसका आईडी पासवर्ड आपको दे देता है, मयंक सर ये ले लो आप मेरा आईडी पासवर्ड और आपको जो करना है करो, आप ऑर्डर ले लो। हम क्या करेंगे? मेरे पास उनका आईडी पासवर्ड आया तो मैं टेंडर पब्लिश करूंगा और मैं ये डॉक्यूमेंट्स मांगा। अभी इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने डाला या नहीं डाला, मेरा तीन, ये तीन बिडर मेरा है खुद का, ये तीन मैंने भरा है। मुझे तीन कॉम्पिटिटर चाहिए तो मैंने ही खुद से भर दिया है तीन अलग अलग प्रोफाइल से। अभी ये तीन कॉम्पिटिटर एक्स्ट्रा आ गया, ये तीन कॉम्पिटिटर एक्स्ट्रा आ गया, इसके पास भी सब डॉक्यूमेंट्स ओके है, तो मैं कोई भी एक रीजन डाल के इनको डिस्क्वालीफाई करूंगा। क्योंकि इनको यदि क्वालिफाई कर दिया और इनका रेट ज्यादा हो गया तो टेंडर इसको मिल जाएगा। तो ये जान बुझ के क्या हुआ रहता है? मयंक सर समझ में आया आपको? हाँ सर, लग तो रहा था ऐसे ही होता है लेकिन मैंने कंफर्म करना था बस। ठीक है, कॉमन चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन भी ले सकते चाहो तो। विक्रम सर बोलिए। पर्सनल वॉइस भी हो सकती है ना कहीं ना कहीं? क्या बोले सर? पर्सनल टेंशन भी हो सकती है ना वायर की कैंसिल करने का रीजन जो हो सकता है टेंडर। हाँ, पर नहीं, बायर को वो पब्लिकली बताना पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकता बायर। नहीं नहीं सर, मान लीजिए किसी टेंडर, किसी सेलर को वो जानता है और वो जेम पे। हाँ, जनरली अभी जेम पे ज्यादातर ऐसा ही चल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। वही रीजन रहता ना सर, वही रीजन रहता। हाँ, ये क्या है सर? जी एच मोही सर, आपका नाम बताओ ना प्लीज। जी एच मोही, क्या नाम से आप कनेक्ट हो सर? उद्दीन कुले ऐसा कुछ तो नाम है। हेलो सर। हाँ, आपने अभी बोला कि मैं गुलाम मोहिद्दीन कुले, कुले के नाम से आप शॉर्टकट में जेएमटी कोहले। गुलाम मोहिद्दीन कोहले, आप कोहले के नाम से याद रखो। कोहले KOLHAY ना, क्या है सर? KOLHAY बराबर है ना। मैंने आपका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। अब कोहले सर बोलिए। गुलाम मत लिखिए, कोहले लिखिए, गुलाम नहीं है नाम। हाँ ठीक है ठीक, बोलिए सर। कोहले सर, थोड़ा मैं, आपने बोला कि हम वी कैन टेक एक्शन, जो अगर उसने हमें मतलब इस तरह दिया आपने कि जो बायर है कम एक्शन ले सकते, क्या है वो? सर बहुत सारे पॉलिसीज है उसके लिए। एक सबसे है जो आपके नियर बाय, क्या बोलते हैं, किसी के नियर में हम कंप्लेन कर सकते हैं। कस्टमर कंज्यूमर फॉर्म रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उसका बता दूंगा। वो कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ हाँ, वहां पे जाके सबसे इजी वे है, वहां पे आप एक्शन ले सकते हो। दूसरा तरीका है लीगल नोटिस, आप बायर के नाम से लीगल नोटिस इशू कर सकते हो। तीसरा है, यदि लीगल नोटिस से भी वो नहीं समझता है तो आप उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो, तो फिर उनको तो आना ही पड़ेगा। जनरली बायर लीगल नोटिस के पास ऊपर नहीं जाना चाहते। लीगल नोटिस भेजा कि आपको, जनरली 99% बायर आपको इंटरटेन कर लेते हैं, वो आपको जरूर बुलाएंगे। बायर फिर डर जाता है क्योंकि बायर भी जॉब करता है, उनको पता है
यदि ये लीगल नोटिस भेजता है कल कोर्ट में गया तो मेरा नौकरी चला जाएगा। इसके वजह से कभी भी बायर आगे केस को जाना नहीं देना चाहता। तो लीगल, हाँ भले आरटीआई या आरटीआई बोलते हैं राइट इंफॉर्मेशन एक्ट ऐसा कुछ है, तो वहां से ज्यादातर जवाब नहीं आया तो आप लीगल नोटिस से तो आपको 99% केस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी कोई बायर नहीं माना तो फिर आप उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। या सबसे इजी है मेल करो और मेल पे लीगल मेल डालो कि आपने यदि मुझे इसका प्रॉपर रीजन नहीं बताया या फिर इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया, मुझे क्यों टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया, तो मैं आपके अगेंस्ट में लीगल में चला जाऊंगा। आप एक मेल से भी उनको बता सकते हो, यदि बायर है तो हो सकता है आपको पहले ही इंटरटेन कर ले। देखो मैं एक साथ साफ बता रहा हूं, बायर के अगेंस्ट में झगड़ा मत करो, बायर को लीगल मेल जरूर, बायर को डराओ जरूर पर उसके साथ झगड़ा मत करो। आपने जैसे ही आप मेल डालोगे ना वैसे ही बायर आपको बुलाएगा, बोलेगा चलो ये ऑर्डर जाने दो, अगला ऑर्डर मैं आपको दिला देता हूँ, तो थोड़ा आप भी पीछे हटो ऑर्डर लेते जाओ, ऐसे करके यही चलता है अभी तक। और यदि आपको झगड़ा करना ही है तो फिर आप जा सकते हो, फिर आपको ऑर्डर मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर आप जीत जरूर जाओगे, आपको उसके वजह से जो नुकसान है उसका भरपाई आपको मिलेगा। क्लियर है कोले सर? थैंक यू सर, थैंक यू। मयंक सर। सर मैं भी बस इतना कह रहा था, आपने जो कहा सब ठीक है, लेकिन बस इसमें ऐसा होता है कि अगर कस्टमर की कंप्लेंट कर दो या कुछ ना कुछ कर दो, हम भी 50 साल से काम कर रहे हैं, 10-20 साल हो गए, तो उसमें कस्टमर से रिलेशन खराब हो जाते हैं फिर वो आगे काम। वो तो है ही ना सर, बस ये इसलिए तो फिर आपकी यदि उनके साथ रिलेशन अच्छी है तो फिर आप उनके पास जाओ और उनको पूछो। हाँ कईयों से अच्छे जिनसे अच्छी नहीं, वो बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। यदि आपके साथ कितनी अच्छी नहीं है तो उनको एक मेल डाल के देख सकते हो। हाँ जैसे किसी डेवलप रिलेशन। हाँ जी हाँ जी, पर झगड़ा मत करो, इतना मेरा कंसर्न ठीक है, उससे आपको ऑर्डर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। शर्मा सर। जी जी सर, ऐसी कंडीशन में बायर की मेल आईडी कहाँ से पता कर सकते हैं? कैसे सर आपको ऑर्डर्स जो रहते हैं ना, ऑर्डर्स में मेल आईडी मिलता है, ऑर्डर्स में मिलता है। अदरवाइज आपका जो भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए बोलो किसका भी डिपार्टमेंट बताओ, बताओ आपके अकॉर्डिंगली। जैसे किसी जैसे बिल्ड पार्टिसिपेशन किया हमने, चलो मैं समझता हूँ जिला परिषद रिजेक्ट कर दिया, हाँ जिला परिषद है ना, ने हाँ जी ईमेल आईडी, मैं गूगल पे सर्च कर देता हूँ, देखो मुझे इसका चलो नीचे का नहीं मिलेगा, उसके टॉप ऑफिसर का मिल जाएगा, वहां पे हम चले जाएंगे। ओके, मतलब कौन सा भी डिपार्टमेंट है? हाँ यहाँ पे बीडीओ, हाँ वहाँ पे बीडीओ को नहीं तो डायरेक्ट सीओ को मेल डाल दो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन है सीओ हर जगह का, या वीडियो का मिल जाएगा तो वीडियो को मेल डालो उस डिपार्टमेंट का, कौन वीडियो, या ऑर्डर में भी रहता है मेल, आप ऑर्डर से भी ले सकते हो। जी सर, बोलिए और कुछ डाउट्स है किसी को यहाँ तक में? हाँ सिंह सर बोलिए। सिंह सर यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो बीड्स में जो रहता है ई प्रोक्यूरमेंट, अभी बहुत सारे लोगों ने ई प्रोक्यूरमेंट में भी टेंडर भरा हो, पर यहाँ पे ई प्रोक्यूरमेंट जैसा बिल्कुल नहीं, ये ई प्रोक्यूरमेंट से बिल्कुल अलग है। ई प्रोक्यूरमेंट में क्या था, टेंडर जैसे पहले भरते थे, सब टेंडर भरने का प्रोसेस एक जैसा था, यहाँ पे टेंडर भरने का प्रोसेस अलग अलग है। यहाँ पे प्रोडक्ट का बीड यहाँ दिखेगा और बीओक्यू बीड यहाँ दिखेगा। चलो टाइप ऑफ टेंडर देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल टाइप ऑफ टेंडर कितने होते हैं, प्रोडक्ट का बिड, प्रोडक्ट बिड है ना, सर्विस बिड, सर्विस बिड है ना, प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस, बंच प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुआ, मतलब ऐसा नहीं है पेन चाहिए मुझे, अच्छा वो प्रोडक्ट बिड होगा, पर मुझे 5 जेल पेन चाहिए और 5 बॉल पेन चाहिए तो वो बंच बीड होगा, क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट है, मुझे ऐसी चाहिए, एक एक टन का चाहिए, एक डेढ़ टन का चाहिए तो बंच बीड होगा, मुझे एक टन का ही 10 ऐसी चाहिए तो वो प्रोडक्ट बीड होगा, क्वांटिटी के ऊपर नहीं।
दो अलग अलग प्रोडक्ट हुआ तो बन चुके सेम वन सर्विसेस। ओके, उसके बाद है आरए रिवर्स ऑक्शन, हम आगे समझाएंगे आपको रिवर्स ऑक्शन। उसके बाद है कस्टम बिड, कस्टम बिड और है बीओक्यू बिड। कस्टम बिड में भी दो पार्ट है, कस्टम बिड प्रोडक्ट और कस्टम बिड सर्विस। इतने टाइप के बीड्स है, जितने टाइप के बीड है सब भरने का भी यहाँ पे प्रोसेस अलग अलग। तो आपको उसके लिए पहले टेंडर पहचानना पड़ेगा किस कैटेगरी से टेंडर आता है, वो टेंडर वहीं पर मिलेगा। जैसे कि ये टेंडर प्रोडक्ट का है, पर मैं इसको यदि बंच बीड में ढूंढूंगा ये टेंडर देखो नहीं मिलेगा, ये टेंडर नहीं मिलेगा, नो रिकॉर्ड फॉर्म बोलेगा। कस्टम बीड में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्यों? ये कस्टम बीड नहीं है, ये प्रोडक्ट का बीड है, यहीं पर आपको ये टेंडर मिलेगा। आपको ये पता भी करना पड़ेगा जो ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, मतलब किस कंटेन में आपका मिलेगा, कौन सा बीड है ये, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सर्च करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली और फिर जैसा आपको पहचान में आ गया तो उनके भरने के प्रोसेस अलग होंगे, जैसा भरने का प्रोसेस होगा वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। ये रहेगा बीड। बीड में भी जब L1 होगा पहले टेक्निकल खुलेगा फिर फाइनेंस खुलेगा, फाइनेंस में जो सबसे कम रेट में कोट किया है वहां मिलेगा। आप बाद में कभी भी चेक कर सकते हो बीड को, बीड आरए स्टेटस से जो किसने क्या रेट से कोट किया है। जैसे कि मैं एक बीड खोल के दिखाता हूं, जैसे कि कोई भी टेक्निकल हो, टेक्निकल एवोल्यूशन होता है फिर फाइनेंस होता है और फिर बीड एवोल्यूशन। टेक्निकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है फिर रेट खुलता है और फिर जो सबसे कम रेट में टेंडर भरता है उसको बीड अवार्ड हो जाता है। लास्ट अभी देखो इसका अभी तक फाइनेंस खुला नहीं है, ये पूरा खुल गया है, टेक्निकल भी खुल गया, फाइनेंस भी हो गया, बीड अवार्ड भी हो गया, तो व्यू बीड रिजल्ट देख सकते हो। तो टेक्निकल में कितने लोगों ने, 3 लोगों ने टेंडर भरा था, तीनों लोग क्वालिफाइड है और फिर इसमें से टेंडर किसको मिला, जो सबसे कम रेट भरा, ये L1 है। तो टेंडर रसिका एंटरप्राइजेस को, इसमें फिर अलग अलग चीजें हैं, मेक इन इंडिया, MSME, स्टार्टअप, जो भी हम लोग टेंडर के टाइम पे सीखेंगे और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये बीड का पार्ट हो गया। बीड के बाद हमारा आ जाता है ऑर्डर्स। फिर आपको ऑर्डर्स यदि मिलेंगे तो ये जो आपको बीड मिला इसका इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, डायरेक्ट ऑर्डर मिला तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर आप जो प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो उसका डिलीवरी चलान अपलोड करना पड़ता है, जेएम का इनवॉइस बनाना पड़ता है, जेएम का इनवॉइस कैसे डाउनलोड करेंगे वो सभी चीजें मैं आपको ऑर्डर्स में फिर बताता जाऊं। और फिर बायर का पार्ट है जो मैंने आपको बताया ही, डायरेक्ट परचेज कैसे करते हैं, आपका ऑर्डर आपको ही कैसे मिलेगा, L1 में कंपेयर कैसे करते हैं, ज्यादा रेट वाले को भी आप अपने रेट में कैसे बैठा सकते हो, पर उसमें 100% श्योर शॉट नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट हो जाता है, करना कैसे है, या फिर आपके प्रोडक्ट का बेस्ट रेट क्या है L1 में ये आप पता कर सकते हो, पर उसके लिए बायर का आईडी होना चाहिए। L1 हो गया और बिड टेंडर बनाते कैसे, यदि बायर के बारे में बायर आपको दे देता है अपना आईडी पासवर्ड, देखो मैंने जैसे पहले ही बोला मैक्सिमम बायर को पता नहीं है बायर का काम, और आपको यदि बायर से पहचान बनानी है तो बायर का काम आपको आना चाहिए, तो ही बायर आप पे ट्रस्ट करेगा और आप बायर से पहचान बना सकते हो। तो बायर का काम, इसलिए बीड बनाते कैसे हैं, डालते कैसे हैं, ये सभी चीजें हम लोग बायर के पार्ट में सीखेंगे। बोलिए, ये मैंने आपको अपना सिलेबस भी बताया और सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप में तो मिला ही होगा, और बाकी की चीजें मैंने अभी आपको जेएम के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किया। बोलो, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। सियोग सर बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर जैसे ये एक मिनट सिंह सर वेट कीजिए, सियोग सर बोलिए। सियोग सर, हाँ सर, हाँ बोलिए ना, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ मैं बताऊंगा आगे एक एक करके, सर सभी बताऊंगा, मैं अभी सर सिर्फ जेएम के बारे में बता रहा था, अभी हम लोग एक एक करके फिर सिलेबस चालू करेंगे। मयंक सर। सर
सर जैसे आपने बताया कि ऐसे टेट चेक करते हैं हम, वो टेंडर की स्टेटस आरबीडीआर स्टेटस में चेक करते हैं, तो मैं जाके देख रहा हूं अगर तो व्यू उसमें आ रहा है, टू ऑप्शन आ रहा है, बिड्स रिजल्ट्स आर नॉट बीइंग डिस्प्लेड फॉर सिंगल कैटेगरी लिमिटेड फॉर 7 डेज, तो उसमें नो रिकॉर्ड्स फंड हो रहा है ऐसे करके, तो मेरे बिड तो ऑलरेडी फिल्ड है कई सारी, तो इसमें कैसे देख सकते हैं सर, थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे? क्या बोले, समझा नहीं मुझे आपकी क्वेरी। मैं कह रहा हूं कि इसमें बिड आर स्टेटस में अगर मैं जा रहा हूं तो एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो उसका बिड नंबर डाल दीजिए ना आपका। अच्छा बिड नंबर डाल, ऐसे कितनी भरी है वो नहीं आती कोई लिस्ट का हिसाब? आती है ना, लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा वो। अच्छा सर बाद में, चलो बाद में पूछ लूंगा। हां अथर्व सर। हां सर मेरे थोड़े बेसिक क्वेश्चन है आई थिंक। हां बोलिए बोलिए। इस फील्ड में इसलिए पूछ रहा हूं। हां बोलिए। जैसे यहां पे बिड सर्च की उसका नंबर डाल के, तो वो जो नंबर आपने बताया मतलब बंच बिड में आपने वो नंबर कॉपी करके बंच बिड में डाला, तो वो बंच बिड में नहीं दिखाया, इसका हाँ। मतलब बिड के जो डिटेल्स में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर हम कहाँ से पता कर सकते हैं? अगर यहाँ पे तो पूरे इंडिया के बिड्स दिखेंगे ना, बराबर बराबर, टोटल में जो कोई भी काम अगर बिडिंग अगर हो रहा है तो वो एग्जैक्ट हमें ढूंढना होगा, तो हम कैसे ढूंढ सकते? हाँ तो वो हम लोग सर टेंडर में आपको समझाएंगे, सिर्फ मैंने आपको अभी जेम के बारे में समझाया, जेम में अभी आपको काम करना नहीं सिखाया सर। देखो ओके एंड अभी तक कैटलॉग डालना, बीड में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, टेंडर सर्च करना, ये कुछ भी नहीं सिखाया। ओके तो मैं ये क्लासेस मैं सिखाता जाऊंगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे जेम का थोड़ा ओवरव्यू दिया। ओके सर। और एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे मैंने पढ़ा था कि जीएम में जो भी दिया जाता है ऑर्डर गवर्नमेंट से, तो वो मतलब जो लोकल वाले लोग हैं या जो लोकल सेलर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो गवर्नमेंट ये सब कर रहा है। लोकल मतलब आपको क्या सुन लगते हैं? लोकल मतलब अगर पुणे के जो भी आर्टिशंस है मतलब अगर लोकल मतलब उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। या लोकल मतलब क्या हो गया, मेक इन इंडिया, उसको लोकल बोलते हैं यहाँ पे। लोकल मतलब इंडिया, इंडिया का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। okay, इसका मतलब लोकल मतलब पुणे मुंबई या महाराष्ट्र या दिल्ली या यूपी या पंजाब, ऐसा नहीं है। ओके okay, और हर प्रोडक्ट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को कम करने के लिए। ओके okay, सर Understood. और हर प्रोडक्ट ओपन करने के बाद वहां पे नीचे सेलर डिटेल्स भी है, जैसे आपने कहा कि अब मतलब अगर वो भी कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी वो बाय करना है, बायर को वो प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो वहां पे नीचे जाके पार्सलिटी करने के लिए वहां पे सेलर डिटेल्स देख के जो कुछ भी जो कोई भी नहीं, बायर को कभी भी सेलर का नाम नहीं पता चलता। वो वहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे सेलर डिटेल्स में क्या दिखता है फिर? सिर्फ सेलर डिटेल्स में उसका टर्नओवर वगैरह दिखता है, पर नाम पता नहीं चलता, रेट पता चलता है। ओके सर। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो ना आपके पास से मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर दो, सीसीटीवी सर्च कर लो, देखो बायर को कैसा दिखेगा, सेम ऐसा ही बायर को दिखेगा। okay. जो वहां पे रेट है वही दिखेगा सीसीटीवी, है ना, ये सीसीटीवी। अभी यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये कौन बेच रहा है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ब्रांड पता चल रहा है, मिनिमम क्वांटिटी पता चल रहा है, एमआरपी पता चल रहा है, और इसका ऑफर प्राइस पता चल रहा है। और इस प्रोडक्ट को यदि खोलोगे तो ये स्टार्टअप कैटेगरी में है ये पता चल रहा है, और साथ में ये मेक इन इंडिया है कि नहीं ये पता चल रहा है, और साथ में इसके स्पेसिफिकेशन पता चल रहा है, जी इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, यही बायर को दिखेगा। ठीक है, वो व्यू सेलर डिटेल्स वाला ऑप्शन है ना, उसमें वो सेलर के डिटेल्स पता चल जाएंगे, सेलर में वो रेट पता चलता है, यही प्रोडक्ट और कौन कौन बेच रहा है ये पता चलता है। हाँ, वो इसमें एवरेज टर्नओवर दिखता है। ओके ठीक है सर। हेलो हेलो, एक मिनट सर मैं खुद लूंगा क्वेरी। कॉल है सर। सर जैसे कि मैंने पहले बताया आई हैव जॉइनड वेरी लेट, हो सकता है आपने बताया होगा। हाँ बोलिए। ये जो जिम के हम सेलर एज ए सेलर, हाँ। पहले मैं आपका आप थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोगों ने इंट्रोड्यूस भी किया होगा। रिसेंट आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आई वाज ऑलरेडी अ बायर हैविंग सो मेनी दिस ऑफिसर्स, तो एज अ बायर आपने सही सच बोला कि द बायर इज नॉट नोइंग नथिंग, मतलब मैक्सिमम 80-95% नहीं जानते हैं। मैंने मेरे पास 8 ऑफिस थे और मैंने 25 ऑफिस के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर वम्प्यूटर आता है, तो मैंने 50 मतलब जो मैक्सिमम ऑफिस थे हमारे डिपार्टमेंट में सारा मैं ही परचेज करता था। okay, तो मैं कैसे वो जुगाड़ करता था तो वो आपने बता दिया।
खैर हाँ। दूसरा दूसरी चीज ये है कि हम वैसे एज ए सेलर तो मेरा एक अपना प्रोडक्ट इस वक्त जो हमारी पिछले मेरी मिसेज से साथ इन्वॉल्व है, हम हानि चीज और हानि के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट हानि। लेकिन क्या मैं वैसे भी एक सेलर क्या मल्टी बिजनेस जाना चाहता हूँ जो मेरे मतलब फूड प्रोसेसिंग के साथ है, मतलब मैं क्या जब मैं सेलर में अपना उसमें पूरा करूंगा क्या मैं दूसरे कुछ, ये जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम ये आपके जो प्रोडक्ट हैं इकट्ठा आप लग सकते हैं, या आप जब भी कोई आपको लगे किसी ऑर्डर के उस वक्त आप अपना जो उस पर वो करके, या आपको पहले ही वो उसमें अपने अपने प्रोडक्ट रखने हैं अपने इसमें जिम में? नहीं ऐसा नहीं है, आप एज पर रिक्वायरमेंट भी प्रोडक्ट डाल सकते हो और आप डाल के भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस। अगर ऑलरेडी मैं उस पर मनी रखे मैं उस वक्त भी तो भी चलता है, और एज पर रिक्वायरमेंट भी आप कभी भी डाल सकते हो कोई भी चीज, चाहे मेरे कोई भी चीज, आप प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी दे सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप सीसीटीवी कैमरा बेच रहे हो, कंप्यूटर भी बेच सकते हो, पेन भी बेच सकते हो, फर्नीचर भी बेच सकते हो, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मेडिकल इक्विपमेंट भी बेच सकते हो, ग्लव्स भी बेच सकते हो, राशन भी बेच सकते हो। सर बट सर अगर एक मिनट, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है म्यूट। हाँ खोले सर बोलिए। हाँ बस थैंक यू। सिंह सर हाँ जी हेलो, आ रही है सर वॉइस? आ रही है, आ रही है, बोलिए। सर मेरी दो क्वेरी है, एक तो डायरेक्ट ऑर्डर को जो अंडर 25 है, जैसे सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे A4 पेपर ही मैंने आपसे जब अभी बोला था, अब मैंने सर डाला कि मैं इसको इस रेट पे अपने डिस्ट्रिक्ट में फी सप्लाई करूंगा, तो बहुत जगह सर मैं देखता हूँ बायर अदर मतलब जैसे ऑल इंडिया या ऑल स्टेट ना लेके सिर्फ लोकल हमारी अपने डिस्ट्रिक्ट का ही देखते हैं, और उसमें जिसका L1 होता रेट कम होता सीधा उसको प्लेस कर देते हैं। तो सर ये तो डालना पड़ेगा ना कि मैं किस डिवीजन में किस स्टेट में, ऐसा नहीं है सर, आपको उसके बारे में नॉलेज जो मिला है वो गलत नॉलेज मिला जी। जब हम लोग ये सीखेंगे, बायर का पोर्टल भी मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको मैं बता दूंगा बायर परचेज कैसे करता है, आपको बायर परचेज करने का तरीका पता चल जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर वो बोलता है ना कि आप अपनी आईडी में कैटलॉग वाला यार, वो हम ट्रेनिंग करो आपको समझ में आएगा। आपके पास जो गलत चीजें है ना वो छोड़ दो, कौन क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान मत दो, हम लोग यहाँ पे लाइव देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे हो सकता है यहाँ पे किसी को बोलेगा मैं पूरा टेंडर आपको दिला दूंगा, मेरे पास पूरा मैनेज है, ये सिस्टम को पूरा मैं हैक कर लूंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर उसके साथ हमें लेना देना नहीं है। होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है सर, सब डायरेक्ट आईडी कैटलॉग आईडी मांगते हैं क्या आप? सर मैं इसीलिए तो आप ट्रेनिंग करने आए हो ना सर, है कि नहीं? आप ट्रेनिंग करने इसीलिए तो आए हो ना सर? ठीक होने तो दो, ट्रेनिंग चालू भी नहीं किया हमने ट्रेनिंग। ठीक सर, जी सर, ओके सर। मदन सर। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपने GST होता है ना, उसके अंदर कोड डालते हैं कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो। हाँ, HSN कोड बोलते हैं उसको। HSN कोड तो सर अपना हर कोई प्रोडक्ट थोड़ी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में अपना ई वे बिल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी डालते वक्त हम अलग डालते हैं, बाद में HSN कोड के अकॉर्डिंगली हम लोग ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं या ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू। विक्रम सर। मेरा यही सेम वाला क्वेश्चन था सर जो अभी पूछ के गए हैं सर। अच्छा। सर जिसका मान लो किसी की फर्म है सर, कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सर, वो कैसे कोई और प्रोडक्ट बेच सकता है, वो कैसे किसी और में जो चीज बना रहा है उसी में ही बिट लगाएगा ना? एज ए एग्जांपल समझो, मैं पेन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, बराबर है, वो मैं एज ए OEM बेच रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ इसलिए OEM बेच रहा हूँ, क्या मैं एक दूसरा कोई प्रोडक्ट किसी से खरीद के नहीं बेच सकता? आप फर्नीचर का आपका बिजनेस है, क्या आप होटल रेस्टोरेंट नहीं डाल सकते? डाल सकते हो या नहीं? नो, आप बिजनेस सिर्फ फर्नीचर का ही, दूसरा दुकान आप फर्नीचर का ही डाल सकते हो, आप रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते, आपको रेस्ट्रिक्शन है क्या गवर्नमेंट से कोई रेस्ट्रिक्शन? नहीं है।
हम कर सकते हैं, इसके वजह से यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर, क्लियर है ना, समझ में आया ना पॉइंट? यस सर। तो ये सिर्फ हम लोगों ने जेम के बारे में समझा, और आपके जो भी थोड़े बहुत जेम के बाइंड में गाइडलाइंस थे वो मैं आपको सिर्फ समझाया बेसिक पर। जो लोग बिल्कुल नए हैं टेंशन मत लो, मैं जेम अभी तक चालू भी नहीं किया, तो मैं फिर धीरे धीरे करके सब चीज एक एक करके बताते चलूंगा।